राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश के सभी अवर अभियंता और प्रोन्नत सहायक अभियंता केंद्र के आह्वान पर 12 सूत्रीय मांग को लेकर 48 घंटे के लिए मुख्य अभियंता कार्यालय मोहद्दीपुर पर उपवास पर बैठे हैं। शुक्रवार को उपवास के दूसरे दिन पर अवर अभियंता और प्रोन्नत सहायकों ने उपवास जारी रखा और कहा कि विभाग में आउटसोर्सिंग से रखे जा रहे इंजीनियर की भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त किया जाए। ये व्यवस्था विभागों को निजीकरण की तरफ ले जाने की व्यवस्था है। पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू किए जाने, हम अपनी मांगों को पूरा करने के लिए शासन प्रशासन से लड़ेंगे। हमारा आंदोलन आने वाले दिनों में और उग्र होगा। इस अवसर पर इंजीनियर अमित प्रताप सिंह, सचिव कुशीनगर, इंजीनियर रमेश सिंह, तुषार सिंह, इंजीनियर राम इकबाल, प्रिंस पाठक, राजीव कुमार, गौतम कुमार, मृत्युंजय शर्मा सहित भारी संख्या में अवर अभियंता और प्रोन्नत सहायक अभियंता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए इंजीनियर अजय कुमार ने कहा, राम इकबाल। नहीं, अभी तक तो कुछ सूचना प्राप्त नहीं हुई है ऐसी, लेकिन हम लोग जो है 48 घंटे के उपवास पे लगातार रहेंगे और जब तक हमारे केंद्रीय नेतृत्व का निर्देश नहीं मिलता है तब तक पूर्व प्रायोजित जो कार्यक्रम हमारा है उसी हिसाब से चलता रहेगा। हमारी 11 सूत्री मांगे हैं। अजय कुमार, अभी तक तो सरकार के कान पे जूंग नहीं रेंग रही है, सबको मुकरड़ी निद्रा में सोए हुए हैं। ये लोग तानाशाह लोग हैं, ये हमारी बात अभी तक सुन नहीं रहे हैं, लेकिन हम भी अपनी जीत पे अड़े हुए हैं। हम अपनी मांग मनवा के ही मानेंगे। हमारा 24 घंटा बीत चुका है और हमारे उत्साह में अभी भी कोई कमी नहीं है। हम 48 घंटा भी पूरा करेंगे और अगले जो चरण का हमारा आंदोलन है 2 अक्टूबर को, उसमें के लिए भी हमारी पूरी तैयारी हो चुकी है। इसलिए हमें कोई वो नहीं है, ये मानेंगे, आज नहीं कल मानेंगे, इनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसी व्यवस्था से जुड़े हुए हैं कि हमारे बिना इनकी व्यवस्था चल नहीं सकती। हमारी कुल 12 सूत्री मांगे हैं, जिसको हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा चेयरमैन के थ्रू मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई है, लेकिन अभी तक ये लोग तानाशाही रवैया अपनाए हुए हैं। इसमें मेन हमारी मांग ये है कि हमारे जो 7वां वेतन आयोग आया है उसके हिसाब से हमारे जो जेई 2007 में आए उनका और जो आज 2016 में आए हैं उनका सबका वेतन बराबर हो गया है। जो 9 साल सीनियर है उसके बराबर भी सबका वेतन हो गया है। तो इसकी विसंगति को इन लोगों ने हमें हमारे अंदर फूट डालने के लिए ऐसी विसंगति पैदा की है। तो हम तो सजग हैं, हमें मालूम है कि हम इनकी साजिश के अंदर आने वाले नहीं हैं। हमें ये चाहिए कि हमें जो 6वां वेतन आयोग 1/1/2006 से लगा था उसके साथ ये हमें 1/1/2006 से दे देंगे तो हमारा सबका बराबर हो जाएगा। दूसरा वेतनमान ये है कि हमारी टाइम स्केल है और टाइम स्केल के हिसाब से हमें जेई के 9 साल पूरा होने पे सहायक अभियंता का टाइम स्केल मिले, उसके बाद अधिशासी अभियंता का मिले, उसके बाद अधीक्षण अभियंता का मिले, ये हमारी दूसरी प्रमुख मांग है। तीसरी मांग ये है कि हमारे विभाग को ये लोग प्राइवेट की तरफ धकेलने का प्रयास कर रहे हैं, प्राइवेट इंजीनियरों की भर्ती कर रहे हैं। हम किसी की भर्ती का कोई विरोध नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि आप उनको जो हमारी संवैधानिक प्रक्रिया है उसके तहत भर्ती करिए, हम उनका स्वागत करते हैं। ये इस धरने पे हमारे 4 ज़िले हैं, गोरखपुर जोन के 4 ज़िले के लोग हैं। हमारा गोरखपुर है, उसके बाद महाराजगंज, देवरिया और कुशीनगर, सब लोग हैं। हमारे सभी लोग रात भर यहाँ आराम से बैठे हैं, दिन में रात में सोए हैं और अगला 24 घंटे के बाद वाला क्रम हमारा शुरू हो गया है। हमारे ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो हम लोग आगे भी आंदोलन जारी रखें।